मेरा नाम है संजय सैलूल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिक एथलीट हूँ और मैं बहुत टाइम बाद अपने एक लेंथी वीडियो को लेके आ रहा हूँ। इस दौरान बहुत महीनों से मैंने कोई भी लेंथी वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज को डाला था, लेकिन आजकल जो ट्रेंडिंग है फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वो है तरुण गिल के बारे में। तरुण गिल के बारे में आज मैं अपनी कुछ अपने व्यूज रखना चाहता हूँ इस वीडियो के दौरान, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे तरुण गिल के बारे में। तरुण गिल एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, बहुत सालों से इनका फिटनेस चैनल चलता आ रहा है। 2016 से इन्होंने शुरुआत करी थी, फिर ये पहले अपना कंटेंट लाते थे, कंटेंट लाने के बाद इन्होंने बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू शुरू करे और अपनी फिटनेस एडवाइस भी देना शुरू करी, फिर कोई फिटनेस लीग का स्कैम भी हुआ, फिर भी इनका जो भी ये कंटेंट चलता रहा, जो भी इनका फिटनेस से रिलेटेड यूट्यूब था वो चलता रहा। लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो पिछले साल का भी बता दूं, इन्होंने शेरू क्लासिक का अनाउंसमेंट करा था कि इन्होंने ये शेरू क्लासिक में इन्होंने कम्पीट भी किया, जिनकी कोचिंग नूर खान ने इन्हें दी थी। नूर खान और तरुण गिल इन्होंने बहुत महीनों तक वीडियोज को कंटिन्यू करा अपनी तरफ से। तब तरुण गिल बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर थे, यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छा एडवाइस कर रहे थे और अपनी तरफ से एडवाइस और फिटनेस और जो भी रेगुलर वो एक्सरसाइज ट्रेनिंग रूटीन है उनको अपने वीडियोस के थ्रू वो दिखाते रहते थे। लेकिन अचानक से उन्होंने नरेश सूर्या क्लासिक खेला जहाँ पे उनकी प्लेसिंग्स अच्छी नहीं आई और उसके बाद एकदम से तरुण गिल कुछ टाइम के लिए गायब हो गया। फिर उस दौरान बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उनके ऊपर फेक वीडियोज बनाई, उनकी डेथ करा दी या फिर उन्हें पता नहीं कैसे कैसे एलिगेशन लगाए, उनको बहुत ट्रोलिंग किया, उन्हें बहुत एब्यूज करा, फिर भी ठीक है, फिर वो वापस आए। लेकिन इस बार जब वो वापस आए अपने वीडियोस को लेके तो उनका अंदाज बिल्कुल ही बदल गया है, जिसमें वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो वीडियो बनाया था जिसमें वो राजवीर फिटनेस के साथ में है और वो सिगार पी रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं जो उनके चैनल को देखते हैं या वीडियोज को देखते हैं वो इंस्पायर्ड हो जाते हैं कुछ जल्दी देख के। अगर कोई यूट्यूबर इस तरह की चीज कर रहा है यूट्यूब पे स्क्रीन पे तो यंगस्टर्स से उनके ऊपर गलत इंप्रेशन जाता है। फिर वर्कआउट के बाद बियर, अब ये ऐसा होता है कि इंसान वर्कआउट के बाद बियर पी रहा है, फिर बोल रहे हैं किसी अपने शॉर्ट वीडियोस में कि दूध बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। तो बहुत साल पहले वीरेंद्र सिंह घुमन जो वेजिटेरियन इंडिया के बॉडी बिल्डर है, 125 kg प्लस उनका वेट है, उन्होंने ये बताया कि डाइटी चीज़ों में दही का भी यूज करते हैं, भैंस का दूध भी वो पीते हैं। तो बताइए वो इतना मैसिव बॉडी बिल्डर अगर इन सब चीज़ों को यूज करता है अपने डाइटी रेजिम में, उसका साइज देखिए और अपना साइज देखिए बिला तरुण गिल का। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि 70s की बॉडी बिल्डिंग को लात मारो, उनके गुरुजी को लात मारो। फिर उसमें वो बताते हैं कि जो ओल्ड प्रिंसिपल कंसेप्ट था डाइटिंग का कि स्ट्रिक्ट फूड खाना है आपको, बॉइल्ड फूड खाना है, और वो अपनी तरफ से कंसेप्ट ला रहे हैं कि आप बिल्कुल ही मतलब जो मन में है वो खाओ, आप पास्ता खाओ, मैगी खाओ, जमाने भर की जंक फूड खाओ। नहीं, रिजल्ट्स मिलते हैं आपको एक बार में, एक खास हफ्ते में एक दो बार आप चीट भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप अगर मैगी अपने बॉडी में डाल रहे हैं या खा रहे हैं, है ना, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं वर्कआउट के बाद में, तो ये सब क्या करती, हार्म ही करती बॉडी को, लीवर को हार्म करेगी आगे चल के और बहुत सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या है, ये जो अपनी तरफ से वो एडवाइस दे रहे हैं ये भी बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मॉन्स्टर पीते हैं वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट में, तो जनाब बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं आजकल के लोगों को, जिसमें क्या है कि वर्कआउट के बाद अगर वो मॉन्स्टर डाल के पी रहे हैं तो ये क्या करता है कि वो तो एनर्जी ड्रिंक है और वो कैफीन वर्कआउट के बाद नहीं लिया जाता है। कैफीन आप वर्कआउट से पहले लो, उसमें भी वो मॉन्स्टर का बोल रहे हैं लेने का, पीने का, क्रिएटिन मिला रहे हैं, तो ये सब बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो बिल्कुल यंगस्टर्स अगर उसे फॉलो करें, क्योंकि 150-200 रुपये का एक एनर्जी ड्रिंक आता है मार्केट में, अब बंदा हर बंदा क्या है उसको यूज नहीं कर सकता रेगुलर अपने उसमें, ठीक है। आपको वर्कआउट के बाद में सबसे बड़ी चीज है प्रोटीन, उसके बाद एक घंटे बाद आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आपकी बॉडी में जो भी ग्लाइकोजन आपकी एक्सरसाइज के दौरान खत्म हो गया है वो वापस रिप्लेनिश हो सके। इसके लिए वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन लेना है, उसके एक घंटे बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स लोड करने बॉडी में। फिर उसके बाद उन्होंने एक और शॉर्ट वीडियो में बताया कि वो बता रहे हैं कि बल्किंग के लिए पान, अब आगे कहीं ये भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे और वीडियोज नहीं आ जाए कि बल्किंग के लिए विमल भी खाना चालू कर दें, बल्किंग के लिए गुटखा खाना चालू कर दें, फिर एक वीडियो में काजू कतली खा रहे हैं, इतनी सारी बोल रही है कि अगर फ्लेक्सिबल डाइटिंग का कंसेप्ट रखा जाए तो आप कुछ भी खा सकते हैं अपनी डाइटिंग में। अब बात करेंगे इनके कोच की, यश ठाकुर की। अब बहुत 3 साल पहले 2018 में इनका एक वीडियो आया था जिसमें इन्होंने इनका इंटरव्यू करा था कि इनकी मम्मी इनके शरीर में स्टीरॉयड्स को इंजेक्ट कराती हैं, तो ये क्या, और तरुण गिल ने इन्हें एडवाइस करा था कि इन सब चीज़ों से दूर। अब आज के सिनारियों में ऐसा है, यश ठाकुर इन्हें गाइड कर रहे हैं और उन्हें मतलब कुछ भी खाने पीने का या फिर इस तरह का क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है,
अब या तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं या फिर ये अपनी बॉडी जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो कुछ और है और एक्चुअल में ये पीछे कुछ और करते हैं। और हालांकि ये भी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम सबको पता ही है कि क्या यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इनकी बॉडी में पंप आया है। नींबू और एलार्जिनिन को ये मिला के पीते हैं बॉडी में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनको सूट करता होगा बहुत अच्छे से, ये मैगी खा लेते हैं इन्हें सूट करता है, जंक फूड पास्ता वास्ता जो भी खाते हैं इन्हें सूट करता है, जो भी होता है। लेकिन मैं भी एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तरुण गिल का जो फैन बेस अगर बीच में डेवलप होना लगा था अच्छी तरीके से, ये वापस भी आ सकते हैं अपने ट्रैक पे। पर अब इन्हीं को क्या है कि या तो फेमस होने के लिए अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें या फिर इस तरह का कंटेंट ला रहे हैं जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है या लोग इन्हें एंशेंट बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पब्लिसिटी और फेमस होने का कुछ मतलब ऐसा कीड़ा काट चुका है कि मतलब इन्हें सुर्खियों स्तर में रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं। बाकी मेरी एडवाइस तो इनको यही है कि अब इनको थोड़े से और सेंसिबिलिटी पे चले जाना चाहिए और जो एक्चुअल ट्रूथ है वो अपने ऑडियंस को दिखाना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मिलता हूँ मैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।